आरू एंड पक्कू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज है संडे और आपको पता ही है, जैसे मंथ एंड होता है तो हमें बहुत सारा ग्रोसरी लेने जाना होता है, क्योंकि एक बार एक क्या होता है ना, मंथ होता है ना तो हमारा ग्रोसरी भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हमको ही पता होता है कि क्या कैसे लेना है ना। संडे के दिन सबको मूड ही नहीं होता है, बस घर पर रह के आराम करना है, क्योंकि एक तो संडे ही तो मिलता है ना हम लोगों को आराम करने के लिए। और उसमें भी हम लोग बहुत सारे लेडीज़ होती है ना, तो वो बहुत सारा काम बोल देती है, ये करना है वो करना है। तो कभी कभी हस्बैंड भी गुस्से हो जाते हैं कि भाई क्या यार, संडे के दिन तो आराम करने दो। पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मंथ एंड हो जाता है और नए मंथ की शुरुआत में हमें ग्रोसरी लेने जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि एक एक महीने का ही सामान भरती हूँ, ज़्यादा नहीं भरती हूँ, क्योंकि पूरे दिन एसी में रहना होता है और कभी मतलब कीड़ा लग जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाए। इससे तो अच्छा है कि हम एक एक महीने का जितना चाहिए उतना ही सामान खरीदें। जैसे कि मैंने आपको बोला, आरव जस्ट अभी उठा है, उसको नाना धोना, मतलब अभी तो वो नाइट ड्रेस में ही है इसलिए वो अभी सामने नहीं आ रहा है, अभी आएगा। गुड मॉर्निंग, कम 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 कम, देखिए ये मेरा बेबी। दिस अ वाटर गन, राइट? हाँ, उसने बहुत जीत करके, उसको वाटर गन चाहिए, होली है, होली पास में ही है तो उसको वाटर गन चाहिए थी। और हम लोगों ने मतलब उसने कहीं देखा था वीडियो में कि वाटर गन ऐसा होता है, उस सबसे सबको पानी छींटते रहते हैं, उसने देखा था। और हमने फिर उसको मतलब छोटी सी लैग की दी है, क्योंकि है ना यहाँ पे तो पानी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पानी हम लोग बहुत वेस्ट नहीं करना चाहते। सिर्फ गैलरी में पौधों को पानी डालने के लिए हमने रखा हुआ है कि तू पौधों को पानी डाल दिया कर। शॉपिंग के लिए, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, ठीक है? और ग्रोसरी भी लेना है, थोड़ी सब्जी भी लेनी है, दूध दही छाछ जो भी घर पे अभी चाहिए वो भी लेना है। तो चले। तो देखिए हम निकल पड़े हैं सब्जी लेने के लिए और बहुत टाइम हो चुका है। अरे देखो मेरी कार कितनी गंदी हो रखी है ना, क्योंकि है ना उसमें कभी ना कभी आरो कुछ ना कुछ डोलता रहता है और मुझे उसके लिए रखना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ खा बच्चा है अभी, उसको कुछ भी खाने के लिए चाहिए होता है ना। और वो भाई साहब देखो आगे जाके बैठे हुए कि मैं पापा की कार चलाऊंगा, अभी उसको इतना शौक़ चढ़ जाता है ना कभी कभी। अब मैं उसको पीछे बुला रही हूँ कि बेटा आ जा, बैठ जा, हम लोग को जाना है, बहुत देर हो रही है, क्योंकि घर पर खाना भी बनाना था, थोड़ा सा बना के आई थी। देखो अभी धूप भी है और छाँव भी है, मतलब गर्मी भी है और ठंड भी है। और ऐसे ही बातें करते करते हम बहुत लोग पहुंच गए हाइपरमार्केट, लुलु हाइपरमार्केट। तो यहाँ पे सब में ऑफर्स भी रहते हैं, पर मुझे तो अभी सब्जी और वही सब ख़रीदना था। यहाँ पे देखो ये गैजेट वैजेट सब मिलता रहता है, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, पर मुझे चाहिए था सब्जी दूध दही वो सब। अभी तो घर के लिए ग्रोसरी भी बहुत ख़रीदना बाकी है। मैंने बटर भी देखा पर बटर भी नहीं मिला। और यहाँ सब्जी अच्छी मिलती है तो मैं तो कुछ ना कुछ हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए ख़रीद लेती हूँ। हाँ, और आरव को हमने आज अंदर बिठा के दिया है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है ना, बाहर भागता रहता है, इसलिए हमने उसको मोबाइल देके अंदर बिठा दिया। अभी मैं गई दूध लेने, दूध तो मिल गया पर मुझे चीज़ नहीं मिला अमूल का, बहुत कम जगह पर अमूल का चीज़ मिलता है। तो कोई नहीं, यहाँ पर तो लोकल ब्रांड थी। अब मैं मुझे जाना था घर पर, हम घर पर मैंने रोटी बनाई, दाल चावल सब्जी बना ली थी और बस मैं अपना खाना इन्जॉय करूँगी। अब Thanks for watching. Well, thank you. Thank you.